पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर है, वहां दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से ताला लगा हुआ था। अब इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा फिल्में सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी, जिसकी घोषणा हो चुकी है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर बच्चन परिवार से आ रही है। आपको बता दें, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की 5 फिल्में इस साल रिलीज होने जा रही थी। 5 में से एक फिल्म गुलाबो सिताबो को लॉकडाउन के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया गया। ऐसे माहौल के बीच में अब जो खबर आ रही है, उसके तार बिग बी और जूनियर बच्चन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मिली जानकारी की माने तो अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड और अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म लूडो, ये दोनों ही की जा रही हैं ऑनलाइन रिलीज। जी हाँ, जहाँ एक तरफ अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में थी, वहीं अभिषेक बच्चन का प्रोजेक्ट लूडो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे बटोर रहा था। अब मिली जानकारी की माने तो निर्माता अपनी छोटे और मंझले बजट की फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धड़ाधड़ बेच रहे हैं। भूषण कुमार ने अपनी 3 फिल्म लूडो, झुंड और इंदु की जवानी को एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेच दिया है। डील पक्की हो चुकी है, सिर्फ डील की कानूनी कार्यवाही हो जाने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी फिल्म लूडो एक डार्क कॉमेडी है, जिसमें अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा हैं। कॉमेडी ड्रामा फिल्म इंदु की जवानी में कियारा आडवाणी, आदित्य सील मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं झुंड फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल हर कोई जानना चाहता था कि कैसे बिग बी के 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें इस साल मेकर्स मैनेज करेंगे, कैसे अभिषेक बच्चन के प्रोजेक्ट्स मैनेज होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी फिल्मों की रिलीजिंग अगले साल के लिए टाल दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल टी सीरीज प्रमुख भूषण कुमार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है और अमिताभ बच्चन स्टारर, अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।